वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशप नामा का स्पेशल एडिशन और आज हमारे साथ यहाँ पे शामिल है सहर हयात। तो चलते हैं उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। अच्छा सहर, ये बताएं आप, माशाल्लाह आपके 6.9 मिलियन, इट्स अ ह्यूज अमाउंट आपके फॉलोअर्स की। अच्छा मैं देखता हूँ यहाँ पर टिकटॉक, अभी तो उसमें बहुत फजूल तरह की भी वीडियोज़ होती है, इसका कोई मैसेज नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता, ऐसे ही बना के जो है ना वो, हालांकि उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं। तो मैं, आप क्या समझती हैं कि जिस तरह आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आपकी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि मतलब इस तरह की चीज़ों को कि जिससे किसी को फ़ायदा हो, जिस तरह हमारा एक सेगमेंट है गपशप नामा का जिसमें हम वो वीडियोस प्रमोट करते हैं जिस पे कोई मैसेज दिया जाता है, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए या किसी अच्छे काम के लिए, तो आपका क्या ख्याल है बाकी टिकटॉकर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तरफ, कुछ ना कुछ अपनी जो वीडियो बनाएं कम अज़ कम उसमें कोई मैसेज हो किसी की भलाई के लिए, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो कोई एप्लीकेशन बुरी नहीं होती है, जैसे टिकटॉक है वो अच्छा नहीं, लोग कंटेंट बना रहे फजूल बना रहे हैं, लोगों को इतना हो गया है कि हम किसी तरह फेमस हो जाएंगे, उनका जो दिल करता है वो लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई आप ऐसा कंटेंट बना दे, कोई पब्लिक मैसेज ही दे दें, हाँ। कोई ऐसा पब्लिक मैसेज दे दें कि जिस मतलब किसी के काम आ जाए। बिल्कुल किसी के काम आ जाए, और मैं ये समझती हूँ कि पब्लिक मैसेज ज़्यादा लाइक किया जाएगा। बिल्कुल मतलब ये जो आप बनाते हैं, जो नहीं पसंद कर रहे लोग आजकल वीडियो, जो लोग बहुत ज़्यादा फजूल गालियाँ दे रहे हैं, फजूल बातें कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को हट के अगर करना है तो अच्छे वे में यूज़ करें, हर एप्लीकेशन को हम अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने ये बात इस वजह से की थी कि पिछले दिनों अभी 16 दिसंबर को जो था APS का, उस पर मैंने ये मैसेज दिया था कि हर दफ़ा हर साल जो है हम सिर्फ अल्फाज में जो है एक ट्रिब्यूट पेश कर देते हैं कि जी हमें बड़ा दुख हुआ है ये, और मैंने उस दिन कहा था कि मतलब आज के दिन आप अपना ब्लड डोनेट करें इन बच्चों को, क्योंकि उस दिन भी खून बहा था, और आप अपना खून डोनेट करके खून का अतिया देके इन बच्चों को बचाएं ताकि उनकी रूह को इसाले सवाब पहुंचे। तो इस वाले से मैंने कुछ टिकटॉकर्स हैं जो मेरे हैं कॉन्टैक्ट में, उनको मैंने ये मैसेज भी भिजवाया कि आप चलाएं, लेकिन मतलब एक छोटी सी वीडियो बना दे ताकि आपके फॉलोअर्स देखें तो इस तरफ आएँ, उनको थोड़ा सा माइंड बने, तो नहीं लगाई। तो मैं इस वजह से कह रहा था कि मतलब इस तरह की, क्योंकि एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट होती है, मतलब जिस तरह आपके हैं और बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं, तो आपकी तरफ से एक मैसेज जा रहा था कि जाए ताकि लोग इस तरफ भी आएँ, ताकि उनकी वीडियो से जो लोग देखते हैं एक मिनट में, मतलब एक मिनट में बहुत अच्छे अच्छे मैसेज चले जाते हैं। अच्छा जैसे आपने बताया कि वीडियो बनती है, कि मैं उनको कहता हूँ कि आपने जैसे वीडियो बनाई आप मैसेज दे दें किसी, हाँ। को कि आप ब्लड डोनेट कर दें, हाँ। अच्छा मैंने उस दिन कोई वीडियो नहीं बनाई, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा आपने वीडियो नहीं बनाई, मैं इनका बनाती हूँ, बना लेती हूँ। किसी को शो ऑफ करना मतलब क्या, मतलब हमसे वीडियो बना रहे हैं, जो लोग उन्होंने वीडियो बनाई उन्होंने सिर्फ वीडियोज़ बनाई हैं, एक वीडियो बना के उनको सिर्फ लाइक्स चाहिए थे, उनको ये नहीं था कि हम वीडियो बना रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमें दुख है, दुख है इस तरह नहीं होता। आप अगर आपको दुख है आप जाके ब्लड डोनेट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो लोगों बच्चों के लिए, आप कुछ कर रहे हो आगे जाके कुछ भी, ये वीडियो ला के आपको सिर्फ लाइक्स चाहिए, आप अपने लिए वीडियो बना रहे हो, बच्चों के लिए वीडियो नहीं बना रहे, किसी को दिखा कर दुख करने का फायदा नहीं है। करना ही है तो किसी की हेल्प कर दें, मदद कर दें, लेकिन वो भी लोगों को दिखा कर नहीं। तो सर मेरा आपसे ये आप क्वेश्चन, एक आपके फैन का क्वेश्चन है मेरे पास, उनसे मैंने लिया था आपकी डाइट के किस तरह अपने आप को आपने इतना मेंटेन रखा है। ये मेरा क्वेश्चन है, मेरे फैन ने आपके भेजे, तो उनको आप जवाब दे दें। मैंने कोई मेंटेनेंस रखी हुई, मैं सुबह उठ के पहले नाश्ता करती हूँ फिर मुंह धोती हूँ। मैंने कुछ नहीं रखा हुआ, बस ये अल्लाह की तरफ से ही है, कोई डाइट वाइट नहीं करती मैं, जो दिल करता है वो मैं खाती हूँ। मुझे भी काफ़ी लोग बात करते हैं, ऐसा नहीं है, टिकटॉक बनाती हैं ये वो, मुझे कमेंट्स आते हैं, इतने बुरे बुरे कमेंट्स आते हैं मुझे, लेकिन मैं उसको इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं क्या हूँ। बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है जहाँ पे इतने प्यार करने वाले आपके फॉलोअर्स हैं उसके साथ ही क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज से हम लोगों को और ज्यादा जो है वो हौसला मिलता है, हम लोग क्रिटिसाइज से भी सीखते हैं, और क्रिटिसाइज पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जो है दोनों जब वो हैंड इन हैंड, आप कुछ बन रहे होते हो तब भी कोई ना कोई पीछे बात करता है। जी बिल्कुल ठीक है, जब आप नहीं बन रहे होगे तो कोई आपको पूछेगा नहीं, लेकिन जब आप बन रहे होगे तो सब आपको रोकने की कोशिश करेंगे। माहौल काफी सीरियस हो गया।